Hi, this is VK Trade School online class and this class for my LKG kids and today's subject is GK. और बच्चों आज हम GK में एक new chapter सीखने वाले हैं. New chapter क्या है? चलिए देखते हैं. Our community helper. Our community helper. Community means पता है? जो समाज में हमारी सेवा करते हैं. समाज सेवक. जो हमें our community helpers. जो हमें जीने में different different तरीके से हमें हमारी मदद करते हैं. Just like टीचर, बार्बर, डॉक्टर, नर्स, सोल्जर, पुलिसमैन, ये सारे लोग क्या है? समाज सेवक हैं. ये इनके बिना तो जिंदगी हम लोग गुजार ही नहीं सकते हैं. बिकॉज हमें लाइफ में मॉर्निंग टू नाइट तक हमें इन सारे लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती है ना. जैसे कि टीचर, टीचर क्या करती है? आपको पढ़ाती है. बिना टीचर क्या पढ़ोगे कैसे? बार्बर, बार्बर क्या करते हैं? आपकी हेयर कटिंग करते हैं. बिना बार्बर के तो आप लोगों के बाल कितने लंबे हो जाएंगे? फिर आप लोग अच्छे लगोगे? नहीं ना. डॉक्टर, डॉक्टर क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं. किसे? सिक पीपल को. जो बीमार होते हैं उन्हें ट्रीट करते हैं डॉक्टर. उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें टाइम टाइम पर मेडिसिन देते हैं, उन्हें मेडिसिन बताते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेनी है. विदाउट डॉक्टर के तो आप हमेशा तबीयत ही खराब रहेगा सारे लोगों का. तो चलिए सीखते हैं. टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर. टीचर कौन है? मिस तो आप ही की है. टीचर है ना? मिस क्या करती है? आपको पढ़ाती है ना. यस, टी ई ए सी एच ई आर. तो चलिए टीचर की स्पेलिंग राइट डाउन करते हैं. टी ई ए सी एच ई आर, टीचर. नाउ सेकंड, बार्बर. बार्बर क्या करता है? आपकी हेयर कटिंग. बिना बार्बर के आप अपने बाल कैसे कटवाओगे? तो बाल कटवाने के लिए आपको बार्बर की जरूरत पड़ती है ना. यस, तो चलिए बार्बर की स्पेलिंग राइट डाउन करते हैं. बी ए आर बी ई आर, बार्बर. बार्बर हमें हेयर कटिंग करने में हेल्प करते हैं. एंड लास्ट थर्ड, डॉक्टर. डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर. डॉक्टर क्या करते हैं? सिक पीपल को ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं. तो चलिए डॉक्टर की स्पेलिंग राइट डाउन करवाते हैं. डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर. वंस अगेन, टीचर, बार्बर, डॉक्टर. टीचर, बार्बर, डॉक्टर. और पेरेंट्स, आप बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरह से सैंपल बना के देंगे और आप भी और इसे भी आप करनी कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे ताकि बच्चे उसे रनिंग कर्सिव राइटिंग में ही लिखे और बच्चों को आप लर्न भी करवाएंगे और ईच फाइव फाइव टाइम्स करवाएंगे. पहले आप इसे लिख करके देंगे और बच्चे उसे देखते हुए फाइव टाइम्स करेंगे. फिर अगेन आप दूसरे वर्ड को लिख लेंगे, बच्चे उसे भी फाइव टाइम्स कंप्लीट करेंगे. फिर तीसरे वर्ड को लिखेंगे, उसे भी बच्चे फाइव टाइम कंप्लीट करेंगे. थ्री मोर कम्युनिटी हेल्पर्स. बच्चों अब हम तीन और कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में जानेंगे. तो चलिए देखते हैं वो तीनों कौन है. पोस्टमैन, पोस्टमैन. पोस्टमैन मीन्स डाकिया. पी ओ एस टी पोस्ट एम ए एन, पोस्टमैन. पोस्टमैन कौन है? डाकिया. डाकिया क्या करते हैं? हमारे लेटर्स को हमारे घर तक पहुंचाते हैं. अगर आपके फ्रेंड कोई बहुत दूर में है तो वो क्या करेंगे? वो डाकघर में जाकर के आपका पत्र दे आएंगे और डाकिया आपके पत्र को लाके आप तक पहुंचा देगा. ओके, तो चलिए पोस्टमैन की स्पेलिंग राइट डाउन करते हैं. पी ओ एस टी एम ए एन, पोस्टमैन. पोस्टमैन मीन्स डाकिया. तो चलिए देखते हैं दूसरा क्या है. फायरमैन, फायरमैन. अग्निशमन, जो आग को बुझाते हैं. ठीक है, आग को कौन बुझाते हैं? फायरमैन. अगर कहीं होटल में हो, कहीं कहीं पर भी अगर आग लग जाती है, हॉस्पिटल हो, कोई मंदिर हो, कहीं भी अगर आग लग जाती है तो हम किसे बुलाते हैं? फायरमैन को. और फायरमैन क्या करते हैं? हम आग को बिल ऑफ करते हैं, आग को बुझा देते हैं. ओके, चलिए राइट ऑन करते हैं फायरमैन की स्पेलिंग. एफ आई आर ई, फायर. एम ए एन, फायरमैन.
fire, F-I-R-E, fire, M-A-N, fireman, okay, fireman हमारे आग को बुझाते हैं. Now, last and third, last, farmer, F-A-R, farmer, farmer, farmer क्या करते हैं? Farmer किसे बोलते हैं? चलिए बताइए, बताइए बच्चों. Farmer means किसान, किसान जो खेती करते हैं. सोचिए अगर just imagine अगर किसान नहीं होते तो क्या होता? हमें खाने के लिए तो कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि जो किसान होते हैं वही तो हमारे लिए fruits, vegetables, अनाज, फल, सब्जी, अनाज ये सारे किसके द्वारा आती है? किसानों के द्वारा. वही खेती करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, फार्मर. तो चलिए फार्मर की स्पेलिंग राइट डाउन करते हैं. फार एम ई आर फार्मर, एफ ए आर फार एम ई आर फार्मर. ओके वंस अगेन, पोस्टमैन, पी ओ एस टी पोस्ट, एम ए एन पोस्टमैन. फायरमैन, एफ आई आर ई फायर, एम ए एन फायरमैन. एंड लास्ट फार्मर, एफ ए आर एम ई आर फार्मर. तो पेरेंट्स अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों वर्ड्स को अच्छे से सैंपल बना के बच्चों को देंगे और इसे आप बच्चों की क्लास वर्क एंड होमवर्क दोनों कॉपी में करेंगे करवाएंगे. पहले आप इन तीनों वर्ड्स को लिखेंगे और बच्चों को फाइव फाइव टाइम्स एक एक वर्ड को लिखवाएंगे. ओके थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू किड्स.